ये दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक स्टेशन पर बना मेंटेनेंस डिपो है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC के पास करीब 200 मेट्रो ट्रेनें हैं और ये रात 11 बजे से 1 बजे के बीच मेंटेनेंस डिपो में देखरेख यानी मेंटेनेंस के लिए आती हैं। दिल्ली मेट्रो के पास ऐसे कुल 8 ट्रेन मेंटेनेंस डिपो हैं। अकेले यमुना बैंक में हर दिन 40 ट्रेनें आती हैं। 100 कर्मचारी हर रोज इन ट्रेनों की सफाई करते हैं। ट्रेन का रखरखाव दो भागों में होता है। पहला हाउसकीपिंग या बाहरी साफ सफाई का होता है। इसके तहत सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन से इसकी धूल मिट्टी की सफाई होती है। ये मशीन फव्वारे की तरह पानी छोड़ती है और इसके पीछे पीछे एक ब्रश चलता है। मेट्रो ट्रेन की हाउसकीपिंग का काम करने वाले कर्मचारी की ड्यूटी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। ये कर्मचारी तरह तरह के केमिकल से फर्श, ग्लास, हैंडल वगैरह की सफाई करते हैं। दाग धब्बों को मशीन और हाथों से रगड़ कर छुड़ाया जाता है। मेट्रो का कुल नेटवर्क 194 किलोमीटर है। हर रोज ये तकरीबन 28 लाख यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। ट्रेन में आई गड़बड़ी को कहां ठीक किया जाएगा, ये फैसला कंट्रोल रूम में होता है। उसी के मुताबिक ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है कि वो ट्रेन को किस ट्रैक पर खड़ी करे। अब रखरखाव का दूसरा भाग है तकनीकी पक्ष, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एयर कंडीशन, पहियों की देखभाल, कोच की बॉडी और ऑटोमेटिक दरवाजे वगैरह इसमें शामिल हैं। इंजीनियर लैपटॉप से हर दिन बारीक जांच पड़ताल करते हैं। सामान्य निगरानी में इन तकनीकी खराबियों का पता नहीं चलता है। एक मेट्रो ट्रेन जो आपको ट्रैक्स पर सरपट भागती दिखाई देती है, उसके पीछे 24 घंटे और 7 दिन की मेट्रो रेल कर्मचारियों की लगातार मेहनत है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पिछले 13 साल से ये सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक लगातार लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाती है और चमचमाती दिखती भी है। और हाँ, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब दिल्ली मेट्रो ऐसी भी ट्रेनें लाने वाली है जो बिना ड्राइवर्स के चलेंगी। वैसे ड्राइवर्स की जरूरत ऐसी ट्रेनें भले ही खत्म कर दें, मगर साफ सफाई यानी मेंटेनेंस की जरूरत तो उन्हें भी होगी ही। मैं पुलिस डिवर्सन था, तो मैंने गाड़ी ऐसे डिवर्सन घुमाया, तो जैसे पहले उसकी तरफ किया, उसने जंप लगाया, वो थोड़ा 5 फुट पर दूसरी तरफ हो गया। 1934 I reach England and get ready for assassination. Judge, won't you hear my...